जिले के बरघाट वन परिक्षेत्र अंतर्गत कांगोराजा गांव में रविवार देर शाम जंगल से भटका एक भालू पेड़ पर चढ़ गया। भालू को गांव में घुसता देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरघाट वन परिक्षेत्र के विजयपानी कांगोराजा में जंगल से भटका भालू गांव में आ गया। ग्रामीणों ने भालू को शोर कर गांव से भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद भालू गांव के नजदीक एक पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन अमले ने भालू को वापस जंगल में लौटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। झाड़ में रे, ओड़ा रोई, ओरे बांस में कुछ कर बांस। अबे वो झाड़ में बारिक से बारिक में डालना चाहिए। बारिश से बारिश में जान लगाओ तो रे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के बरघाट वन परिक्षेत्र अंतर्गत कांगोराजा गांव में रविवार देर शाम जंगल से भटका एक भालू पेड़ पर चढ़ गया। भालू को गांव में घुसता देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरघाट वन परिक्षेत्र के विजयपानी कांगोराजा में जंगल से भटका भालू गांव में आ गया। ग्रामीणों ने भालू को शोर कर गांव से भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद भालू गांव के नजदीक एक पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन अमले ने भालू को वापस जंगल में लौटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। झाड़ में रे, ओड़ा रोई, ओरे बांस में कुछ कर बांस। अबे वो झाड़ में बारिक से बारिक में डालना चाहिए। बारिक से बारिश में जान लगाओ तो रे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से ब्यूरो रिपोर्ट। जिले के बरघाट वन परिक्षेत्र अंतर्गत कांगोराजा गांव में रविवार देर शाम जंगल से भटका एक भालू पेड़ पर चढ़ गया। भालू को गांव में घुसता देख ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक बरघाट वन परिक्षेत्र के विजयपानी कांगोराजा में जंगल से भटका भालू गांव में आ गया। ग्रामीणों ने भालू को शोर कर गांव से भगाने का प्रयास किया, जिसके बाद भालू गांव के नजदीक एक पेड़ पर चढ़ गया। सूचना पर मौके पर पहुंचे वन अमले ने भालू को वापस जंगल में लौटाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। झाड़ में रे, ओड़ा रोई, ओरे बांस में कुछ कर बांस। अबे वो झाड़ में बारिक से बारिक में डालना चाहिए। बारिक से बारिश में जान लगाओ तो रे। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए सिवनी से ब्यूरो रिपोर्ट।